हे hey, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तरुण मिस्टी व्लॉग। तो आज का स्पेशल रेसिपी है धोखा डालना। तो धोखे का डालना एक बंगाली रेसिपी है, तो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ धोखे का डालना बनाना। तो धोखा का डालना बनाने के लिए आपको यहाँ पे चना दाल चाहिए होगा। चना दाल को आप रात भर भिगो दो और फिर सुबह उसको अच्छे से पीस लो, चाहे सिलपट्टे से हो या चाहे मिक्सी पे हो। तो उसको पीसने के बाद उसमें आप प्याज मिर्ची मिला सकते हो या फिर नहीं भी मिला सकते हो। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट मिलाया था। फिर उसको मिलाने के बाद आपको कढ़ाई में अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेना होगा। फिर भूनने के बाद आपको यहाँ पे जैसे सूजी वगैरह का हलवा बनाते हैं हम और उसको जमाने के लिए एक प्लेट में रखते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे बर्फ़ी की तरह उसको पहले सेट करना पड़ेगा, फिर बर्फ़ी के जैसे ऐसे काटना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको बर्फ़ी के जैसे काट लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे चौकुन रखा है। और मैं बनाऊँगी धोखे की डालना को आलू के साथ। आप यहाँ पर आलू के साथ बना भी सकते हो, इसको सिंपल ग्रेवी भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आलू का इस्तेमाल किया था, आलू से बनाया था, तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप सब एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप सबको धोखे का डालना कैसा लगा। तो ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है, आप अपनी इच्छा से इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आलू एक पहले तल रही थी। आलू तलने के बाद जो धोखे का डालना को मैंने यहाँ पे मिठाई की तरह जमाने को रख दिया था, तो फ्रिज या दूसरी जगह में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। बस थाली में थोड़ा सा आपको तेल लगा लेना है और इसको अच्छे से सेट करना है। तो देखिए मैं धोखा का डालना कितना अच्छा मस्त एकदम रेडी हो गया। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को लिए तो मुझे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।